आपने सुना होगा कि एक राजकुमार राजकुमारी की जान बचाता है, पर ये कहानी उनमें से नहीं है। यहाँ राजकुमार राजकुमारी को बलि के तौर पर एक खोखार ड्रैगन के पास छोड़ देता है। औरैया राज्य के सिपाही और राजा एक ड्रैगन का पीछा कर रहे थे। वो उसकी गुफा के अंदर पहुँचते हैं, जहाँ वो ड्रैगन राजा को छोड़कर उसके सभी सिपाहियों को जला डालती है, जिससे राजा भी उसके आगे घुटने टेक देता है। फिर हम 100 साल बाद एक राजकुमारी एलोडी को अपनी बहन फ्लोरा के साथ लकड़ियां काटते हुए देखते हैं। दोनों घर पहुंचती हैं, जहां एक अजीब सी औरत एलोडी की शादी का पैगाम देकर वहां से चली जाती है। एलोडी के पिता चाहते थे वो ये शादी करे ताकि उन्हें सोना मिल सके। सभी लोगों को इसकी जरूरत थी, इनकी हालत खराब थी, जिससे एलोडी मान जाती है और सभी औरैया राजे की ओर निकलते हैं। कई दिनों के सफर के बाद सभी वहां पहुंच जाते हैं, जहां का महल काफी आलीशान था। एलोडी अपने रूम में अकेली थी और यहां की खूबसूरती महसूस कर रही थी, और वो नीचे एक और लड़की को भी देखती है। दोनों मुस्कुराते हैं, वो भी एक राजकुमारी थी। रात को एलोडी बाहर आती है, जहां वो दूर पहाड़ी पर कुछ जलता देखती है। अगले दिन एलोडी महारानी से मिलती है और उनके बेटे हेनरी से भी। सभी उन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं। एलोडी उसे बताती है, ये शादी ही हमारे राज्य को बचाएगी, मेरे लोगों के भले के लिए शादी तो आम बात है। हेनरी ये सुनकर काफी इम्प्रेस होता है। फिर दोनों गार्ड से बचकर घुड़सवारी करने जाते हैं। यहाँ महारानी ने एलोडी के पिता से पूरी बात कर दी थी, जहाँ एलोडी के पिता थोड़ा बेचैन लग रहे थे। इसके बारे में एलोडी की सौतेली माँ भी पूछती है, पर उसके पिता कुछ नहीं बता रहे थे, जिससे एलोडी की सौतेली माँ सीधा जाकर महारानी से थोड़ा जान पहचान करने की कोशिश करती है, क्योंकि ये दोनों बहुत जल्द समधी बनने वाले थे। पर महारानी उनकी बेइज्जती करने लगती है। वो कहती है, आपके खानदान को पैसा चाहिए और हमें दुल्हन, बस हमें बेमतलब के रिश्ते नहीं चाहिए, और चली जाती है। ये सुनकर एमा सीधा एलोडी के पास जाकर उसे बताती है कि ये शादी मुझे एक गलत समझौता लग रहा है, एक माँ का मन नहीं मान रहा, ये लोग भरोसे के लायक नहीं हैं, इनके दिल मुझे साफ नहीं लगते। कि तभी वहाँ पर एलोडी के पिता आ जाते हैं, जो एमा को उन्हें अकेला छोड़ने को कहते हैं, क्योंकि कल इनकी शादी थी। फिर सुबह होते ही एलोडी को दुल्हन के काफी सुंदर कपड़े पहनाए जाते हैं, जिनमें एलोडी काफी सुंदर लग रही थी। फिर हेनरी और एलोडी की शादी हो जाती है और उसे औरैया की राजकुमारी बना दिया जाता है। फिर दोनों गाड़ी में बैठकर एक गुफा में पहुंचते हैं, जहां जाते ही एलोडी देखती है सभी ने एक अजीब तरह का गोल्डन मास्क पहना है। और महारानी बताती है, हमें आज एक रस्म निभानी होगी, तुम्हारा नाम भी उन औरतों में आ जाएगा। एलोडी को वहां पर अजीब लगता है, और महारानी उसे उसी ड्रैगन की पुरानी कहानी सुना रही थी। वो ये भी बताती है कि जो बादशाह उससे बच गया था, उसे अपनी 3 बेटियां उस हैवान को देनी होगी। वो रिवाज शुरू करते हैं, जिसमें वो हेनरी के हाथ पर कट लगाकर उसे एलोडी के हाथ पर रख देते हैं, जिससे एलोडी का खून भी अब शाही हो जाता है। और एलोडी सिक्के को नीचे खाई में फेंक देती है, जिससे रस्म अब पूरी हो चुकी थी। तभी हेनरी कहता है, मुझे आपको अपनी गोदी में उठाना होगा, और वो एलोडी को उठाकर चलने लगता है। एलोडी ने हेनरी को काफी विश्वास से गले लगा रखा था, पर तभी हेनरी बीच में रुककर एलोडी को सॉरी कहकर उसे सीधा नीचे खाई में फेंक देता है, जहां पेड़ से टकराकर एलोडी नीचे गिरती है। कुछ घंटों बाद उसे होश आता है और वो उन्हें मदद के लिए पुकारती है। इसी बीच उसकी आवाज ड्रैगन भी सुन लेती है। एलोडी वहां पर काफी सारे और भी सिक्के देखती है और कहती है, उन्होंने मेरी कुर्बानी दी। कि तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो आगे बढ़ती है, जहां एक चिड़िया पर आग लगी थी। वो उसे बचाती है, लेकिन आगे से काफी सारी जली हुई चिड़ियाएं उसकी ओर आती है। फिर वहां पर वही हैवान ड्रैगन आती है, जिसे देखकर एलोडी छुप जाती है और उस ड्रैगन को पूछती है, तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? वो ड्रैगन कह रही थी, मुझे दिया हुआ वादा पूरा करो, कर्ज चुकाओ मेरा, तुम्हारी हर पीढ़ी को कीमत चुकानी होगी, तुम्हारी रगों का शाही खून मुझे चाहिए। एलोडी समझ जाती है, ये खून वही है जो हेनरी ने मुझे दिया था, पर ड्रैगन को ये बात पता नहीं थी, और वो उस पर आग छोड़ देती है। एलोडी उस आग से तो बच जाती है, पर तभी आगे उसे एक जली लड़की दिखती है, जो कि वही राजकुमारी थी जो उसने अपनी बालकनी से देखी थी। वो कोने में छुप जाती है, जहां पर भी लावा पहुंचने वाला था, पर एलोडी टाइमिंग से वहां से हट जाती है, लेकिन इसमें उसका एक पैर जल जाता है। ड्रैगन उसके साथ और लंबा खेल खेलने के लिए उसे छोड़कर चली जाती है। एलोडी जले हुए पैर पर कपड़ा बांधती है और अपने को समझाती है, माँ ने कभी हारना नहीं सिखाया।
फिर अपने लॉकेट पर आग लेकर गुफा के आगे बढ़ने लगती है। वो एक गड्ढे से ऊपर चढ़ रही थी पर वो फिसलकर वापस नीचे गिर जाती है। उसका लॉकेट भी बुझ गया था जिससे वो अंधेरे में ही आगे बढ़ने लगती है, जहां उसे कुछ दूर पर एक नीली रोशनी दिखती है पर आगे एक खाई थी। वो नीचे बैठकर हैंडी की पहनाई रिंग देखने लगती है, फिर उसे नीचे खाई में फेंक देती है और हिम्मत दिखाकर सीधा वहां से जंप कर देती है। वो फिसल रही थी लेकिन अपने चाकू को वहां मार मार कर वो आखिरकार ऊपर पहुंच जाती है। वो उन नीली रोशनी को देखती है जो कि किसी तरह के कीड़े थे और चमक रहे थे। वो अपना सूट फाड़कर उन कीड़ों को उसमें भरकर एक मसाल बना देती है। आगे चलकर उसे पानी भी मिलता है जो कि काफी गंदा था, पर ऊपर से टपक रहा पानी साफ था, जिसे एलोडी मुंह पर करके पीने लगती है कि तभी ऊपर से वो ड्रैगन आकर वहां पर अपनी आग छोड़कर नीचे आ जाती है। एलोडी भी आगे भागकर एक गुफा में गिर जाती है। ड्रैगन कह रही थी, सब कोशिश कर चुके हैं, तुम कितना भागोगी? जिस गुफा में एलोडी गिरी थी वहां काफी सारी राजकुमारियों की डेड बॉडीज जली हुई थी और दीवार पर उन्होंने अपने अपने नाम भी लिखे थे, जिन्हें पढ़कर एलोडी मन ही मन मायूस हो जाती है। वहां पर ठंड भी काफी ज्यादा थी। रात को एलोडी उन सब राजकुमारियों को महसूस करने लगती है और अचानक से होश में आती है, जहां वही कीड़े उसके जले हुए पैर पर चिपके हुए थे जिन्हें वो हटाती है। लेकिन वो देखती है उसका जला हुआ पैर अब ठीक हो चुका है, यानी ये कीड़े हीलिंग पावर्स रखते थे। एलोडी ये चेक करने के लिए उन्हें हाथ की चोट पर भी रखती है और फिर उन्हें थैंक्स कहती है। वहां उसे एक नक्शा भी मिलता है। एलोडी जहां जहां से यहां तक आई थी वो देखने लगती है। वहां पर बाहर जाने का रास्ता भी बना रखा था, जिस रास्ते को एलोडी याद कर देती है और अपनी ड्रेस फाड़कर वहां पर अपना नाम लिखकर आगे बढ़ती है, जहां वो हीरे वाली जगह पर पहुंच जाती है। यहीं से उसे ऊपर चढ़ना था, फिर वो चढ़ने की तैयारी करके ऊपर चढ़ने लगती है। नीचे से ड्रैगन भी आ गई थी और एलोडी का क्रिस्टल भी टूटने वाला था, पर एलोडी कैसे ना कैसे करके ऊपर तक पहुंच ही जाती है और आगे रोशनी की ओर बढ़ती है। पर वो तो पहाड़ी के बीचों बीच फंसी थी और फिर रोने लगती है। नीचे वो कुछ घोड़े भी देखती है। वो उन्हें मदद के लिए पुकारती है कि तभी बाहर से वो ड्रैगन आ जाती है। एलोडी देखती है वहां पर जो आखिरी लड़की विक्टोरिया पहुंची थी उसकी डेड बॉडी वहां पर थी। वो ड्रैगन कह रही थी तीन जाने ली गई थी, तीन जाने ली जाएगी और उसे जलाने ही वाली थी कि तभी कुछ लोग एलोडी एलोडी चिल्ला रहे थे, जिससे वो ड्रैगन एलोडी को छोड़कर उन्हें देखने जाती है। ये और कोई नहीं एलोडी के पिता थे जो उसे बचाने आए थे। उन्हें कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हुआ था। एलोडी भी उनकी ओर जाने लगती है। वो एक जगह पर पहुंचती है जहां पर काफी सारा सोना और तीन ड्रैगन के बच्चों का कंकाल पड़ा था। एलोडी धीरे धीरे सब समझने लगती है। फिर हम फ्लैशबैक में उसी राजा को देखते हैं जो उन अंडों के पास पहुंचता है, जिससे तीन ड्रैगन के बच्चे बाहर आते हैं। राजा उन्हें मारने का हुक्म देता है और उसके सिपाही उन्हें मार देते हैं, पर तभी वहां पर उनकी माँ ड्रैगन आ जाती है जो सबको जला डालती है। राजा कहता है, मुझे माफ करो, मुझ पर रहम करो, तुम जो चाहोगी मैं दूंगा। ड्रैगन उसे पकड़कर कहती है, इतनी आसान मौत नहीं दूंगी, मेरा दर्द सहना पड़ेगा। इसीलिए वो इन शाही लड़कियों की जान ले रही थी। इधर एलोडी के पिता और उनके सिपाहियों पर वो ड्रैगन हमला कर देती है और एक एक करके उन्हें मारने लगती है। ड्रैगन एलोडी के पिता को भी पकड़ लेती है और अपनी बेटी को यहाँ बुलाने को कहती है, जिससे वो इन दोनों को मार सके। उसके पिता कहते हैं, मैंने उसकी कुर्बानी दी जो मुझे प्यारी थी अपने राज्य की भलाई के लिए, सोचा उस सोने से हम सब खुश रहेंगे, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। एलोडी बाहर मत आना, जिससे ड्रैगन गुस्से से एलोडी के पिता की छाती पर अपनी उंगली चुबा देती है। तभी एलोडी भी चिल्ला देती है, जिससे ड्रैगन उसे ढूंढने लगती है। लेकिन ऊपर एक और आदमी कुछ पत्थर गिराकर भागने लगता है, जिससे वो ड्रैगन उसके पीछे पड़ जाती है। और इधर एलोडी के पिता उससे माफी मांगकर उसे रस्सी से ऊपर जाने को कहते हैं और वहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं। फिर एलोडी रस्सी से ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन ड्रैगन भी उसे देख लेती है और उसकी ओर बढ़ती है, फिर सीधा उस पर फायर कर देती है। लेकिन एलोडी उससे बचकर बाहर आ जाती है, फिर एक घोड़ा लेकर भागने लगती है जिसके पीछे ड्रैगन भी पड़ गई थी। लेकिन एलोडी दिमाग लगाकर घोड़े को छोड़कर खुद एक पत्थर के नीचे छुप जाती है, जिससे ड्रैगन उस घोड़े को जला डालती है। पर उसमें एलोडी नहीं थी। ये देखकर ड्रैगन पागल हो जाती है
और सब कुछ बर्बाद करने लगती है, जिसे दूर से महारानी भी देख लेती है। वो गुस्सा होकर सीधा एलोडी की माँ और बहन के पास पहुंचकर फ्लोरा को उठा लेती है और उसकी माँ को तलवार मार देती है। फिर उसकी माँ घोड़े पर बैठकर एलोडी को ढूंढ रही थी, जिसे एलोडी मिल जाती है और उसे सब कुछ बताती है, जिससे एलोडी अपनी बहन को बचाने निकल जाती है। इधर महारानी हेनरी को अपना हाथ आगे करने को बोलती है, लेकिन हेनरी मना करता है। वो कहता है, माँ ये सिर्फ एक छोटी बच्ची है, जिससे महारानी अपना ही हाथ काटकर उसका खून शाही कर देती है और उसे नीचे फेंक देते हैं। एलोडी भी वहां पर पहुंच जाती है, जहां वो फ्लोरा की चीख सुनकर रस्सी से नीचे पहुंचती है, लेकिन तब तक ड्रैगन ने फ्लोरा को उठा लिया था। एलोडी फिर से उन्हीं कीड़ों को लेकर और अपने बाल काटकर तलवार लेकर कुछ बनाने लगती है। तभी वो चीज गिर जाती है और उसकी आवाज सुनकर ड्रैगन उसके पास जाती है। तब तक एलोडी फ्लोरा के पास पहुंचकर उसे उठाकर भागने ही वाली थी कि तभी ड्रैगन वापस आ रही थी, पर इस बार एलोडी उसके सामने थी उसका सामना करने के लिए, और उसे बताती है, हम दोनों से ही झूठ बोला गया है, उन्होंने तुम्हारे बच्चे को मार डाला। ड्रैगन बोलती है, तुमने भी, क्योंकि तुम्हारा खून भी शाही है। एलोडी उसे बताती भी है, हम उनकी बेटियां नहीं है। ड्रैगन कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, और उस पर आग मारकर एलोडी सीधा पानी में जा गिरती है। फिर तैरकर ऊपर आती है। एलोडी का शरीर काफी जल चुका था। ऊपर से फ्लोरा भी उसे दूसरी तलवार देती है। एलोडी उसे लेने जाती है, पर ड्रैगन उसे पकड़ लेती है और उस पर नाखून चुमाने लगती है, मगर एलोडी उसकी आंख पर चाकू मार देती है, जिससे एलोडी बच जाती है। एलोडी तलवार उठाती है और सीधा उसके गले पर घोंप देती है और चिल्लाकर कहती है, मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, पर ड्रैगन उसे पकड़ लेती है, जिससे एलोडी उसके हाथ पर भी तलवार दे मारती है। ड्रैगन काफी जख्मी हो गई थी। एलोडी भी उठकर पीछे जाती है, जिसके पीछे ड्रैगन आ रही थी। वो सामने देखती है, एक दीवार पर हवा टकर कर वापस आ रही है, जिससे वो दिमाग लगाकर वहां पर जाकर ड्रैगन को कहती है, मेरे साथ वो हर औरत है जिसे यहाँ कुर्बान किया गया, मार डालो मुझे, मुझे जला दो। जैसे ही ड्रैगन वहां पर आग मारती है तो एलोडी हट जाती है और आग उल्टा टकर कर उस पर ही जा लगती है, जिससे ड्रैगन तड़प तड़प कर अधमरी हो जाती है। एलोडी तलवार लेकर उसे अपना हाथ दिखाकर कहती है, इस तरह वो हमें शाही बनाते हैं, इसी खून की महक तुम्हें आती है, उन्होंने तुम्हें धोखा दिया, उनकी तरह तुम भी मासूम बेटियों की हत्या करती आई हो। ड्रैगन कहती है, तो मार दो मुझे। एलोडी तलवार उठाती है पर उसे नहीं मारती और उन्हीं नीले कीड़ों को उठाकर ड्रैगन की चोट पर डाल देती है। फिर हम हेनरी और दूसरी राजकुमारी की शादी देखते हैं, जहां पर एलोडी अपना सिक्का फेंकती है और वहां पर पहुंचती है। हेनरी और सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। एलोडी कहती है, तो ये आखिरी बलि है। वो उसे यहाँ से भागने को कहती है और बाकी सबको भी यहाँ से भागने का आखिरी मौका देती है, जिससे कुछ लोग तो भाग जाते हैं पर रानी के खास यही रुकते हैं। रानी कहती है, तुम्हें क्या लगा हम तुमसे डरने लगेंगे, क्योंकि तुम वहां से वापिस जो आ गई। एलोडी बोलती है, तुम्हें मुझसे नहीं इससे डरना चाहिए। और वहां पर वो ड्रैगन आ जाती है, जो महारानी और उसके बेटे समेत पूरे किले को जलाकर भस्म कर देती है। एलोडी बाहर आती है, जिसके ऊपर वो ड्रैगन थी। फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहां एलोडी की माँ जिंदा थी। एलोडी उन्हें थैंक्स कहती है और सभी अपने राज्य की ओर वापस जाने लगते हैं। एलोडी कहती है, हम जा रहे हैं घर की ओर, जिनके साथ वो ड्रैगन भी जा रही थी। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कर दो यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।